नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनिया और आप सभी का अपने चैनल सोनिया जीड सेंट्रीज में स्वागत करती हूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो है एक विंटर रेसिपी। ठंड आ गई है, बाजार में पत्तेदार सब्जियां भी आ गई हैं। उन्हीं में से एक पत्तेदार सब्जी है जो आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, और वो है पालक। तो आज हम इस पालक के साथ ऐड करेंगे एक प्रोटीन का सोर्स, वो है छोले। तो आज की हमारी रेसिपी का नाम है छोले पालक। तो ये छोले पालक बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए। पसंद आने पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं छोले पालक। छोले पालक बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक रात पहले छोले को 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। फिर जब आपको बनाना हो तब इसे हम एक बार पानी को धोकर प्रेशर कुकर में डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसे 7 से 8 सीटी लगा लेंगे, या तब तक जब तक ये छोले थोड़े से गल नहीं जाते। नेक्स्ट स्टेप है, पालक को हम अच्छे से पानी में धो लेंगे जिससे इससे सारी मिट्टी निकल जाए। फिर एक पैन में हम पानी बॉयल करने रखेंगे और पानी जब बॉयल होएगा तब उसमें हम डाल देंगे ये पालक। इस पालक को हम सॉफ्ट होने तक बॉयल कर लेंगे और फिर इस पानी को छान कर इस पालक को हम ठंडे पानी से धो लेंगे जिससे कि इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ये देखिए पालक उबल के तैयार है, हमारा छोले भी उबल चुका है। अब इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा टमाटर कटा हुआ, 2 प्याज कटे हुए और हरी मिर्च। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। ये सब्जी सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है। आप चाहें तो कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसका स्वाद सरसों के तेल में बहुत अच्छा आता है। तो पैन में हम तेल गरम करने रख देंगे और जैसे ही तेल गरम होगा, आप जानते हैं सरसों का तेल जब रंग इसका बदल जाए और इसमें से धुआं आने लगे तो हम समझ जाते हैं कि तेल गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर भी मेरे पैन में तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले तेल गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे 2 तेज पत्ते, साथ ही बारीक कटा हुआ 2 बड़ा प्याज और हरी मिर्च। इसे हम डालकर अच्छे से चला लेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक। जैसे ही ये थोड़ा हल्का सुनहरा हो जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे अपने दूसरे मसाले। इसे ट्रांसपेरेंट होने तक थोड़ा सा पका लें प्याज को। इस रेसिपी की इंग्रेडिएंट की डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ चेक कर लें। ये देखिए, ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये 1 चम्मच मैंने डाला है। आप चाहें तो फ्रेशली ग्रेट करके भी अदरक लहसुन डाल सकते हैं या फिर बाजार वाला अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये डालकर आप इसे चला लें जब तक कि इसका कच्चा महक चला नहीं जाता। इसे हम पका लेंगे ये प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के पेस्ट को। जैसे ही ये कच्चा महक चला जाएगा इसमें हम डालेंगे बाकी के सूखे मसाले। मेरे बाकी की रेसिपी की भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, आप उसे चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जैसे ही इसका स्मेल, अदरक लहसुन का स्मेल चला जाएगा इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। मिर्ची यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है, साथ ही ये धनिया और जीरे का पाउडर है। और इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। अच्छे से हम इसे चलाकर भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। अब हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा बारीक कटा हुआ टमाटर। आप चाहें तो इसमें टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं। फिर इसे हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये मसाला अच्छे से पक चुका है, तेल किनारे किनारे आ चुका है। इस समय हम इसमें डालेंगे ये मावा, ये मीठा मावा है। ये इस सब्जी के ग्रेवी की टेस्ट को बढ़ा देगा और सारे मसालों
आपको के टेस्ट को भी बैलेंस कर देगा। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप एक छोटा चाय का चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये उबले हुए छोले। ये आधा कप छोले है जिसे मैंने उबाला है। इसे डाल के हम इन सारे मसालों के साथ अच्छे से चला लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। और अगर आपको ज़रूरत पड़े पानी डालने की तो छोले वाला ही पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। आप फिर इसे ढक दें और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें ढककर। 2 मिनट के बाद ये देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये पालक का पेस्ट, जो पालक की प्यूरी हमने बनाई वो। इसे हम डालकर इन मसालों के साथ अच्छे से आपस में मिला लेंगे। इसे आपको थोड़ी देर के लिए भुनना है जिससे कि छोले, मसाला और पालक आपस में अच्छे से मिल जाए। ये देखिए अच्छे से चला लीजिए इसे। और एक बार फिर इसे हम ढकेंगे, लेकिन ढकने से पहले इसमें हम डालेंगे गरम मसाला 1/4 चम्मच, साथ ही हाथ से क्रश किया हुआ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ना हो तो आप सीज़न है तो आप फ्रेश मेथी के पत्ते भी डाल सकते हैं, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। डाल के इसे चला लें और इसे एक बार फिर से मीडियम फ्लेम पर ढक दें। फिर इसमें दो मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तब देखेंगे कि ये मसाला, ये ग्रेवी, ये डिश अच्छे से तैयार हो चुकी है, क्योंकि तेल ऊपर आ चुका है। जब तेल ऊपर आ जाए तब हम समझ जाते हैं कि हमारे डिश तैयार है बनके। ये देखिए ये बिल्कुल बनके तैयार है खाने के लिए। आप इसे एक सर्विंग डिश में सर्व कर लें और इसे आप धनिया पत्ती और फ्रेश क्रीम से भी गार्निश कर सकते हैं। वैसे ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इसे आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी, पराठे और नान के साथ। तो ये बनके तैयार है हमारा छोले पालक। इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।